करामत भाई कहाँ है? इधर आइए, इधर आइए करामत भाई, आपकी करामत जाहिर हो गई माशाल्लाह। इधर आइए, ये करामत रिकॉर्डिंग सेंटर और करामत रिकॉर्डिंग सेंटर, इनका अपना चैनल भी चलता है और इन दोनों के प्रोपराइटर हमारे करामत भाई है माशाल्लाह। आपकी करामत जाहिर हो गई। ये कमेटी की तरफ से 50 रुपया का इनाम दिया गया है, किसी वक्त खर्च कर लीजिएगा माशाल्लाह। बहुत अच्छा बजा रहे हैं, अच्छी सर्विस हो रही है। आप हजरात भी जरा सा इत्मीनान सुकून के साथ बैठे, जरा सा इंतजार ज्यादा देखने को मिल रहा है। वफा की पुख्ता इमारत को ढा नहीं देते, हर एक दर पे दीवाने सदा नहीं देते। जमाना पलता है मौला अली के टुकड़ों पर, मैं कैसे कह दूं कि मुश्किल कुशा नहीं देते। मैं कैसे कह दूं कि मुश्किल कुशा नहीं देते। अल्लामा सगीर रजा साहब क़िबला बैठे हैं, जिम्मेदार उलमाए इकराम बैठे हैं, और एक जरूरी ऐलान और समाप्त कर लीजिए कि आज के जलसे के खुसूसी शायर, इंटरनेशनल शायर, आलमी शोहरत याफ्ता शायर, शाहकारे तरन्नुम, मकबूले बारगाहे आला हजरत, शायरे आजमे हिंदुस्तान, बुलबुले हदायके बख्शिश, हजरते अलहाज मुबारक हुसैन साहब क़िबला, मुबारक गिरिडीह झारखंड, सुभान अल्लाह, बहुत जल्द मिंबर शरीफ की जीनत बनेंगे। दूसरी जानिब खतीबे आजम हिंदुस्तान, मुफक्किरे कौम व मिल्लत, औलादे गौसे आजम, पीरे तरीकत हजरते अल्लामा सैयद शमशाद मियां साहब क़िबला माशाल्लाह, वो भी तशरीफ ला चुके हैं, मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाएंगे। मोहब्बतों के साथ बैठिए। अल्लामा सगीर रजा साहब क़िबला बैठे हुए हैं, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। बात मौला अली की चल रही है, कई नारे लग रहे थे हजरते मौला अली के हवाले से। हजरते इमाम जाफर सादिक अब्दुल वहाब भाई सुनिए, हजरते इमाम जाफर सादिक ये 12 इमाम में से एक इमाम है। 12 इमाम में से एक इमाम का नाम इमाम जाफर सादिक है। वो फरमाते हैं किसी को कोढ़ की बीमारी हो और दुनिया के तमाम डॉक्टर्स उस बीमारी को लाइलाज करार दें, सिर्फ 40 दिन तक। हजरते इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं, सिर्फ 40 दिन तक मेरे दादा अली के नाम का वजीफा पढ़कर पानी पर दम करके पिला दो, मरीज 40वें दिन उठ करके खड़ा हो जाएगा। ये है हजरते मौला अली के नाम की बरकत। इसीलिए गुलाम हुसैन नौजवान कमेटी का हर फर्द ये कहता है, क्या कहता है कि बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा। सुनिए शेर, सुनिए कमेटी के जितने नौजवान हैं शेर सुनिए, और जब कोई अच्छा शेर पढ़ा जाए तो उसकी कद्र कीजिए। जब जलसों में अच्छे शेरों की कद्र नहीं होगी तो फिर और क्या होगा। सुनिए मोहब्बतों के साथ, अगर अच्छा लगेगा, और मुझे उम्मीद है कि चौथा मिसरा जो आने वाला है उसे दिल की वादी में सजा कर रख लेने के लायक है। सुभान अल्लाह, जरा से एक मरतबा पूरा मजमा कह दीजिए जोर से, या हुसैन या अली या अली। कमेटी का हर नौजवान क्या कहता है कि बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। बिस्मिल भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा, इंशाल्लाह जीशान रजा गाजीपुरी साहब भी अच्छा पढ़ेंगे। शेर सुनिए कि बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा, और जान से मार दो मुझको है यही हल वरना, तुम जबा काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल वरना, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा, जान से मार दो मुझको है यही हल वरना, तुम जबा काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा, अली बोलूंगा। जरा सा एक बार और धीरे से कह दीजिए या अली, एक मरतबा और या अली। ज़बा को पाक बनाओ अली अली कह के, मुनाफिकत को भगाओ अली अली कह के। जो चाहती है ये माए के नेक हो बच्चा, तो उनको दूध पिलाओ अली अली कह के, तो उनको दूध पिलाओ अली अली कह के। हमारे अजहरी टाइम्स नेटवर्क के प्रोपराइटर हमारे कारी जुनैद रजा साहब क़िबला शायद तमाम आवाजों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसी बेदारी के माहौल में शाहकारी तरन्नुम अंदली बेगुलशन रिसालत, बल्कि ये कह लिया जाए रियासत बिहार के मशहूर मुमताज मुनफरिद शायर, शायर अहले सुन्नत, अदीब बाकमाल जनाबे ज़ीशान रजा कादरी गाजीपुरी का पुरजोर इस्तकबाल कर
लिया जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह बिला ताखीर ताजदार बनारस मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा सगीर रजा बनारसी साहब के बला। बहुत पहले हजरत मिंबर शरीफ पे आ गए, क्यों? आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, वरना जिस वक्त ये हजरत तशरीफ लाए थे इनके आने का वो टाइम नहीं था, लेकिन हजरत ने कहा कि ताज भाई यहाँ के सारे लोग हमारे अपने हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए इस वक्त मेरा मिंबर पे जाना बहुत जरूरी है। आपकी ज़ियाफ़त का भरपूर ख्याल करते हुए हजरत मिंबर शरीफ पे आ गए, वरना आप लोग तो बहुत कम तादाद में है। जब हिंदुस्तान के लाखों लाख का मजमा जब होता है हिंदुस्तान का, और उसमें अल्लामा सगीर रजा बनारसी साहब की बिला की जब तकरीर होती है, तो देखने वाली निगाहें ये कह पड़ती है कि यकीनन सगीर रजा बनारसी नहीं बोलते, ये सब इमाम हुसैन का फैजान बोल रहा है। तशरीफ लाएंगे, आप हजरात इंतजार करें। इस वक्त जीशान गाजीपुरी का ताजुद्दीन वारसी इस्तकबाल कर रहा है, झूम करके नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बाबू सराय भदोही, गुलामाने हुसैन नौजवान कमेटी, जनाबे जीशान रजा कादरी गाजीपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस शेर के साथ ताजुद्दीन वारसी जीशान भाई को आपके हवाले कर रहा है कि ये दुआ मांगी है हमने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तू उठाना हमें ईमान के साथ, नाते सरवर जो मोहब्बत से पढ़ा करते हैं वो तो महशर में नजर आएंगे हसान के साथ, हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बड़ैली के रजा खान के साथ। Allah's love.